नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में आपसे कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ जिससे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आपको 3 टिप्स बताऊंगा जिससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, पहला ट्रिक है यूट्यूब। अगर आप एक अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो जिसमें आप अच्छा अपना कॉन्टेंट डालते हो, अगर वह कॉन्टेंट ऑडियंस को पसंद आया तो आपके चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा और आप यूट्यूब से अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, YouTube में वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारे कैटेगरीज हैं, बट कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं जिससे आप अपना चैनल को फास्टली ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, इसमें पहला टाइप है गेमिंग चैनल। अगर आप एक अपना गेमिंग चैनल ओपन करते हो तो इसमें अच्छा खासा व्यूज आ सकता है। जैसे कि हाल फिलहाल अभी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का लॉन्च होने वाला है। अगर इसमें आप गेमिंग करते हो और अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम करते हो तो इससे आप अच्छा खासा ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, दूसरा है ब्लॉग चैनल। अगर आप अपना एक ब्लॉग चैनल क्रिएट करते हो जिसमें आप अपना लाइफ स्टाइल या फिर मोटो ब्लॉग को दिखाते हो तो आप इससे भी अच्छा खासा मनी अर्न कर सकते हो। दोस्तों, अभी के टाइम में इंडिया में ब्लॉग्स बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉग हो। अगर आप अपने ब्लॉग में अच्छा कंटेंट दिखाते हो या फिर अपने ब्लॉग में कोई भी ऐसा क्रिएटिव चीज दिखाते हो जो आपके ऑडियंस को पसंद आता है तो वह आपके चैनल को जरूर से जरूर वॉच करेंगे और आपका चैनल जल्दी ग्रो करेगा। दोस्तों, अगला है हैंड स्किल। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी हस्तकला दिखाते हो, जैसे कि अगर आपको सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ भी ऐसा काम आता हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपने ऑडियंस को यह दिखाकर अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, हस्तकला में ही एक पेंटिंग है जिसमें आप अपने YouTube चैनल को तेजी से ग्रो कर सकते हो। अगर आप अपने चैनल पर अच्छे तरीके से बताते हो कि किस तरह से पेंटिंग किया जाता है, अगर आप अपने चैनल पर कोई भी पेंटिंग को दिखाते हो और वह पेंटिंग आपके ऑडियंस को पसंद आता है तो वह उन्हें जरूर बनाएंगे और आपका चैनल जल्दी ग्रो करेगा। दोस्तों, अगर आप अपने पेंटिंग को बनाकर मार्केट में सेल करते हो तो आपको अच्छा खासा इनकम इससे भी हो सकता है। अगर आप अच्छा पेंटर हो और आपके स्किल्स को लोगों को पसंद आता है तो आप अपने पेंटिंग की स्किल्स को दूसरों को दिखाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, अगला है कंप्यूटर कोर्स। अगर आपने कहीं भी कंप्यूटर कोर्स लिया हो और आप उसके बारे में अच्छे तरह से जानते हो तो आप अपने YouTube चैनल पर उसे अच्छे तरह से सिंपलीफाई करके समझा सकते हो जिससे आपके ऑडियंस को अच्छा लगेगा तो आपके और वीडियोस को वह वाच करेंगे जिससे आपका चैनल ग्रो होगा और आप इससे अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। दोस्तों, अगला है टीचर। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को या फिर किसी भी क्लास के सिलेबस को अच्छे तरह से समझा सकते हो तो अपने YouTube चैनल पर वीडियोस बनाकर उसे अपलोड करें। जो भी स्टूडेंट उस क्लास में पढ़ रहे होंगे वह उसके बारे में सर्च करेंगे और आपके वीडियोस को वह वॉच करेंगे जिससे आपका चैनल ग्रो होगा। दोस्तों, अगला स्पॉन्सरशिप। अगर आप अपने चैनल को ग्रो कर लेते हो तो कुछ कंपनियां आपको मैसेज करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स को रिव्यूज करने के लिए आपको कहेंगे, जिससे अगर आप उनके प्रोडक्ट्स को अपने YouTube चैनल पर रिव्यू कर देते हो तो आपको अच्छे खासे पैसे देंगे जिससे आप YouTube चैनल पर स्पॉन्सरशिप के नाम से पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, दूसरा तरीका एफिलिएट मार्केटिंग। अगर कोई व्यक्ति आपके लिंक से कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है तो जब वह व्यक्ति पेमेंट करता है तो उसका कुछ कमीशन आपको मिलता है, तो एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। इसके लिए आपको ऑडियंस बनाना पड़ेगा, जिससे कि अगर आपका ऑडियंस कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है और अगर आपके लिंक से करता है तो इससे आपको अच्छा खासा इनकम होगा। दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपके पास ऑडियंस बेस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ऑडियंस बेस नहीं होता है तो आप इससे अच्छा खासा इनकम नहीं कर सकते हो। आपको ऑडियंस बेस बनाने के लिए अपने फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे अपना ऑडियंस को कलेक्ट करें और अपने लिंक को उनके पास पहुंचाएं, जिससे वह आपके लिंक से प्रोडक्ट्स बाय करेंगे और आपको कुछ कमीशन मिलता रहेगा। दोस्तों, अगला है ब्लॉग। आप अपना ब्लॉग बनाकर भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। इसके लिए आपको वर्डप्रेस पर अपना एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा और अपने वेबसाइट पर अपने ब्लॉग को अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप एक यूनिक कंटेंट बनाते हो तो ऑडियंस आपके ब्लॉग को रीड करेंगे, आपको इससे फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे, जिससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। आप जिस भी कंटेंट पर अपना ब्लॉग बनाना चाहते हो उस कंटेंट पर डीपली रिसर्च करें, उसके बारे में अच्छे तरह से जानें और फिर अपने ऑडियंस को उसके बारे में बताएं। अगर आप अपने ऑडियंस तक वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते हो तो आपके वह ब्लॉग्स को जरूर ही रीड करेंगे और आपको इससे अच्छी खासी इनकम भी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।